मतलब मुझे उनको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया। और वही सीन है यार, अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा जो भी लाइट बिल। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त, मजे में, घर पर। ओके, सो टुडे इज 2 सितंबर। आज मैं जा रहा लाइट बिल का काम करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कुछ तो मतलब मुझे मीटर में फॉल्ट लग रहा, और इतना ज्यादा लाइट बिल नहीं आता ना भाई। ओके बॉयज, एक्चुअली मुझे भी चेयर चाहिए थी यार बैठने के लिए, बट ये सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ें कुछ और है। मुझे कैमरा खरीदना है, तो फिर मेरी सेविंग उसके लिए चालू है। ओके, यहाँ पर लेफ्ट साइड में है एमएससीबी का ऑफिस, और ट्रैवलिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है भैया। भाई साहब, आपको तो पता ही होगा, मतलब ट्रैवल बुकिंग चालू है रेड बस वगैरह से। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा भाई, काका ये एमएससी भी जॉब इसको है का? ओके बॉयज, क्या सीन है यार, मुझे पता नहीं, और उन्होंने बोला कि अप्रैल मई का जो कंजम्पशन है वो हमने एवरेज दिया था, क्योंकि मीटर की रीडिंग लेने के लिए कोई नहीं आया, तो फिर जून का उन्होंने बढ़ा दिया कंजम्पशन, मतलब एवरेज। जून को जब उन्होंने एक्चुअल रीडिंग ली, तब वो मतलब कुछ बताया मुझे, तो मतलब समझ में तो आ गया, बट मतलब मुझे उनको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया। और वही सीन है यार, अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा जो भी लाइट बिल। और एक और बात बता था, अगर आपका कंजम्पशन 100 यूनिट तक है तो आपको 3.46 समथिंग कुछ चार्ज है। अगर आपका कंजम्पशन 7 मतलब 100 के ऊपर चला जाता है, तो फिर 7 और उसके ऊपर चार्ज है, तो फिर मीटर का जो लाइट बिल का रेट डबल हो जाता है। तो ये भी एक मतलब कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तो नहीं है बट ये भी एक सीन है, तो ये भी ध्यान में रखें। ओके भैया जी, समस्या का तो समाधान तो हो गया, बट अभी लाइट बिल जो है वो तो भरना ही है भैया जी। अभी का लाइट बिल उन्होंने बताया कि एवरेज नहीं दिया है, जो नॉर्मल है वही रीडिंग दिया है आपको, तो वो तो मतलब भरना ही पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। चलो ओके भाई, जस्ट न्यू लॉकडाउन की गाइडलाइन पढ़ी मैंने, होटल्स वगैरह तो चालू हो गए, तो फिर ये एक अच्छी बात है हमारे मनीष भैया के लिए पुणे के। और ट्रैवल इंटर डिस्ट्रिक्ट भी चालू हो चुका है, ई पास की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक अच्छी सही चीज़ है। बट क्या करें, अभी कोविड का खतरा तो है ही यार, अभी मतलब जीने का ही अभी इसके साथ। और एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, रेड बस से मुझे मेल आया कि मतलब पुणे टू धुले टू पुणे चालू हो गई है सर्विस। लास्ट टाइम मैं जब पुणे गया था, तो फिर बहुत बेकार वाले हाल हुए थे मेरे, 2000 रुपये मैंने खर्च किए थे जस्ट पुणे जाने के लिए, जो मैं 200-300 में जाता था। ट्रैवल भी बिल्कुल मेंटेन नहीं थी वो, अभी मतलब हो चुका होगा, तो सही बात है यार। ये चाबी दे दो ना रुकी। क्या तेरे हाथ से नहीं खोलने, तेरे हाथ से खोलने वाली है क्या तू? नहीं खोला तोड़ डालेगी। नहीं खोला तो तोड़ डालेगी क्या? खोल के देना मुझे फटाफट। पार्सल लेगा कहीं कोणाल दे से? चलो जल्दी जल्दी खोलो रूहा। क्या हुआ, लॉक ओपन नहीं हो रहा आपसे? ओके बॉयज, हो चुका है अपना काम। क्या हुआ रूही? रुई डर जाती है, रुई डर जाती है ना। ओके भाई साहब, आई गेस दिस इज टाइम टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो का कंक्लूजन यही है कि मार्च और अप्रैल और मई का जो मंथ का बिल है, वो वहां पर उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए मतलब रीडिंग लेने के लिए नहीं आए, तो उन्होंने जो एवरेज निकाल के जून के इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो इसलिए वो मतलब ज्यादा हो गया। तो कुछ भी मतलब उन भाई साहब ने मुझे सब समझाया, सही समझाया,
अभी मेरा काम ये है कि मैं अच्छे से रीडिंग चेक कर लूंगा, जब भी रीडिंग लेने वाला आएगा तो फिर मैं देख लूंगा कितनी रीडिंग है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बाकी सब मतलब सब सॉर्टेड है, जो है अभी ये बिल तो मुझे पे करना ही है, मतलब जितना है अभी। तो यही सीन है यार, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।